नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर झांसी की गरौंठा तहसील से है, जहां गरौंठा के ग्राम कचर में दबंगों ने एक युवक पर लाठी, डंडों एवं कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मरते मरते बचा। मामला गरौंठा तहसील के ग्राम कचर का है, जहां कुछ दबंगों ने गाँव के जगदेव के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना परिजनों ने डायल कर 112 को दी। तभी सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरौंठा पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल रेफर कर दिया। हमारे साथ ये हुआ कि हमारे घर पे आके हमारे साथी कोई जो है जगमोहन लड़का लालसू और केसरदास की लड़का जीतें ने आके लाठी कुल्हाड़ी से वार किया। आखिर उन्होंने मारपीट क्यों की? क्या कोई पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। ये लड़के जो है बाजार आए होंगे, थे जो कुछ हुआ हो बस में या किसी उसमें किराए पे हो या कुछ भी, तो उन लोगों ने पक्ष ली बस वालों की या किसी की, ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये घर पे जाके करीब समय 8 बजे करीब घर पे पहुंचे, 5-6 लोग थे और अन्य थे, पहचाने नहीं है। इन्होंने जाके एकदम जो है इस बच्चे पे वार किया और हम अपने घर से पहुंचे तो हम लगा ये विवाद काय पे होगो, देखें तो हमें भी सर में। तो आपके बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? ये नाती की हालत ये गंभीर। तो उसके बाद आपने तुरंत मौके पे जाकर पुलिस को सूचना दी? जी, मैं गया मोटरसाइकिल से, उसको भी रख ले गया और पुलिस को जाके सूचना की। पुलिस वालों ने 1-1.5 घंटा वो तहरीर लिख के दीजिए और डाले रहे उसे मैदान में। आपने 100 नंबर डाल नहीं किया? 100 नंबर डाल किया था, 100 नंबर गांव गई, वापसी में 100 नंबर भी पहुंच गई, फिर भी बोले कि आप लोग। तो आरोपी फरार चल रहे जिन्होंने मारपीट की कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? हाँ, पुलिस ने 2-3 लोग तो अरेस्ट कर लिए, बकाया लोग फरार चल रहे। बकाया लोग फरार है। धन्यवाद। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? जगत। अच्छा, तो क्या घटना हो गई आपके साथ अभी? किसने मारा भैया? अच्छा, तो क्या मारा आपको? ये तो लोगों ने आपको मेरे को मारा?